अग्निवीर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे इंडियन एयरफोर्स के लिए, लेकिन महज 4 दिन में ही देश के युवाओं ने अपना मत सामने रख दिया है, बता दिया है कि वो इसके लिए कितना उत्साहित हैं, क्योंकि महज 4 दिन में 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने उस पूरी प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और अब रजिस्ट्रेशन के बाद आगे एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो चुकी है। हम मौजूद हैं पिनाकल कोचिंग में और यहाँ पर बच्चे अब आगे रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? तैयारी कैसी चल रही है? सर, मेरा नाम अमन मीना। सर, तैयारी बेसिकली देखा जाए तो कुछ चीज़ें सिलेबस में अपडेट हुई हैं, उसको कवर करने के लिए हमें सर थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। जी सर। पहले कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे, अभी कितना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है आपका? सर, पहले देखा जाए तो हमें इतना टेंशन नहीं था, क्योंकि एग्ज़ाम का ऐसा कोई क्लियर नहीं था, लेकिन अब जब से डेट फिक्स हुई है और प्रोसेस समझ में आया तो हमें दिख रहा है कि कंपटीशन थोड़ा सा हेल्दी होने वाला है। उसके लिए हमें सर मेहनत तो करनी पड़ रही है, 4 से 5 घंटे हम रेगुलर टाइटली दे रहे हैं। ठीक है। जिस तरह से 4 दिनों में ही 1 लाख से ज़्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अब तक लग रहा है कि कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है? यस सर, कंपटीशन तो बहुत टफ़ हो गया है, जिस हिसाब से मतलब हमारे कॉम्पिटिटर बढ़ते जा रहे हैं। अभी 4 दिन में 1 लाख हुए तो आगे भी चलते चलते और ज़्यादा बढ़ेंगे। किन चीज़ों पर आप फोकस कर रहे हैं रिटन एग्ज़ाम के लिए? सर, मेन तो हर सब्जेक्ट में मैथ्स और मतलब जितनी भी मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें होती है वही होती है, और बाकी तो हमारी जनरल स्टडीज़ हमारे साथ रहती हैं। अच्छा, बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हो रहा था इसको लेकर, अभी लगता है कि ठीक है विरोध प्रदर्शन जो था सो था, लेकिन अब चीज़ें आगे सही से बढ़ेंगी? सर, अब देखने में तो यही लग रहा है कि अब आगे कुछ नहीं होगा ऐसा, नॉर्मल सब जो भी स्टूडेंट हैं वो अपनी स्टडी करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे, और ऐसा न्यूज़ में भी दिखाया जा रहा है कि सब चीज़। आपकी तैयारी सही है, बढ़िया है, आगे चल रही है? यस सर, हमारी तैयारी तो चल ही रही है सर। ठीक है, टीचर भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि पेपर में भी पैटर्न्स में भी थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं। सर, किस तरह के चेंजेस हैं इस बार पेपर में? पहले जो पेपर आते थे हमारे एयरफोर्स के, जो एक्स और वाई ग्रुप के थे या फिर जो रेली भर्ती के पेपर्स होते थे, उसमें लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस बहुत कम होता था और मैथ्स भी जो हमारा था वो भी थोड़ा ईजी आता था। अब क्या हुआ, रिसेंटली में हमारा LR का एक टॉपिक इंक्लूड हुआ है और साथ साथ में जनरल अवेयरनेस भी, क्योंकि अब स्टूडेंट्स को ये भी पता होना चाहिए वो सोचने की क्षमता, जिसको जो आर्मी में या फिर एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा जरूरत है वो है सोचने की क्षमता, और वो कहाँ से आती है, लॉजिकल रीजनिंग। तो इसलिए इसको इंक्लूड करा, ये अच्छा है। कंपटीशन की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देख लो 4 दिन में 1 से 2 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए, तो रिसेंटली अपकमिंग डेज में बच्चे बहुत सारे फिल करेंगे। और बाकी पैटर्न में आपको बताइए कि इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स तो रहनी रहनी है, साथ साथ में LR भी आपकी इंक्लूड है और GA भी। तो थोड़ा टफ ज़रूर होगा कॉम्पिटिशन, लेकिन ये बच्चे समझते हैं कि ये सवाल सिर्फ एक सवाल का नहीं है, सवाल इनकी ज़िंदगी का है, इनके सपनों का है। वो सपना कि सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, और उस सपने की तरफ एक कदम बढ़ाने के बाद अब उसकी तरफ दौड़ और ज़्यादा तेज़ होती हुई दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन दलवीर के साथ मनीष चौरसिया, नोएडा, आज तक।